राजनीति में भयभीत कौन है ये तो जनता स्वयं समझ रही है। और कल एक बड़ी सभा, और उसको कहा जाए तो सारे कीर्तिमान को यह सभा तोड़ेगी। भयभीत तो वे सारे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, जिनका एक राज्य से दूसरे, एक राज्य से ज़्यादा किसी दूसरे राज्य में उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। अब पूरी विधि व्यवस्था आप यहां देख सकते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का यहां दौरा है। मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर जो लोकसभा पड़ता है, उसमें आप तमाम तैयारियों को देख सकते हैं किस तरीके से अब पूरा बंदोबस्त कर दिया है। झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा के अगुवाई में ये तमाम कार्यों को, अधिकांश जो कार्य है वो इन्हीं के अगुवाई में जो है वो परिपूर्ण किया गया है। जहां एक तरफ गृह मंत्री जी का जो है वो यहां दौरा होने वाला है, वहीं आप ही के जो विरोधी दल के जो तमाम जो नेता हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी का 3 से 4 बार जो दौरा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग भयभीत हो गए हैं इंडिया से। नहीं नहीं, राजनीति में भयभीत कौन है ये तो जनता स्वयं समझ रही है। और गृह मंत्री जी का पार्टी का हमारा कार्यक्रम तो देश भर में लगातार चलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है और संगठन है जिसके कार्यकर्ता 24 घंटे साल के 365 दिन किसी न किसी रचनात्मक कार्यक्रम में वो लगे रहते हैं। तो कहीं ये स्वाभाविक है, देश के गृह मंत्री हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में उनका लगातार कार्यक्रम होता है। और झंझारपुर आ रहे हैं ये प्रसन्नता का विषय है, बिहार आ रहे हैं ये तो सबों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। सीधा झंझारपुर में जो इनकी अभी जो ये जो दौरा है, वो झंझारपुर वासी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग दिल खोल के स्वागत करेंगे, लेकिन क्या लगता है झंझारपुर की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनसे आप खुद बेहद ही तारुक रखते हैं, तो उन समस्याओं पे भी निगाह जाएगी गृह मंत्री की या फिर सिर्फ भाषण अभिभाषण तक ये सभा स्थगित ये मुलतवी रह जाए? देखिए, ये पहली बार झंझारपुर की धरती पर, और या यूँ कहें कि मिथिला क्षेत्र में, देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है जी। तो ये ना सिर्फ झंझारपुर के लोगों के लिए गौरव का विषय है बल्कि पूरे मिथिला के लिए है। गृह मंत्री जी कल आएंगे, अपने संबोधन में किन विषयों को रखेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री पूरे देश के हैं और जो विषय आता है वो पूरे देश स्तर का है। अब उनके संबोधन में क्या होगा उस पर मैं अभी कहने ना मुझे कुछ मैं कुछ कह सकता हूँ और ना ही मुझे कुछ कहना चाहिए। हाँ, जहाँ तक स्थानीय समस्याओं की बात है तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और भारतीय जनता पार्टी का तमाम जनप्रतिनिधि या विधायक आप कह लें या कार्यकर्ता, सब लोग समाज के साथ जुड़े रहते हैं। दो भाग में मिथिला विभक्त था, ट्रेन परिचालन प्रारंभ हो गया, तो अगर आप देखेंगे तो जो मिथिला की विकास यात्रा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जा रही है। और NDA के शासन में ही मिथिला को जो उसका हक है, मिथिला को जो मिलना चाहिए वो उसी में मिलेगा। शिक्षा मंत्री जो हैं वो लगातार अब सनातन पे एक और प्रतिक्रिया दिए हैं। एक पहले तो डेंगू मलेरिया उदयनिधि, उसके बाद पर मर्यादा पुरुषोत्तम की कंपेयर कर देना, अब साइनाइट बता दिया गया। नहीं, आपसे आग्रह होगा, अभी हम अपने गृह मंत्री के स्वागत के लिए हम लोग हैं और अभी गृह मंत्री के लिए हम सब के लिए गौरव का क्षण है, ना सिर्फ झंझारपुर के विधायक के नाते बल्कि एक मिथिला के बेटे के नाते भी, एक मिथिलावासी के नाते भी हम उस तैयारी में लगे हुए हैं और पूर्णतः फोकस तरीके से हैं। इन सब विषयों पर आपसे फिर बाद में बात। खुद औचक निरीक्षण में तारकेश्वर प्रसाद जी अभी यहाँ मौजूद हैं और औचक निरीक्षण में पहुँचे हैं। सर, झंझारपुर लोकसभा पहुँच गए, जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, मतदाता हैं, सब हर्षोल्लासित हैं। और कल एक बड़ी सभा, और उसको कहा जाए तो सारे कीर्तिमान को यह सभा तोड़ेगी मधुबनी की इस धरती पर, और इस मिथिला की धरती से श्री अमित शाह जी का हुंकार होगा, क्योंकि देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस प्रकार से INDIA का एक नापाक गठबंधन बना है, सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप लिया है, और आज हम सब कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं आने वाले 2024 के। तो सर, जहां गृह मंत्री आ रहे हैं वहां इंडिया वालों का कहना है कि हम लोगों से भयभीत हो गए हैं नीतीश के हटने के बाद। अरे देखिए, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया है, सारे भ्रष्टाचारी जो जमानत पर हैं आज, वो INDIA गठबंधन के
साथ वो जुड़े हुए हैं। भयभीत तो वे सारे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं जिनका एक राज्य से दूसरे, एक राज्य से ज़्यादा किसी दूसरे राज्य में उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आज शून्य पर आउट है लोकसभा में, और जनता दल यूनाइटेड भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण 16 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी, जबकि इसके पूर्व 2014 में मात्र उनकी 2 सीटें थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के कारण या हमारे NDA गठबंधन में शामिल होने के कारण उन्हें ये 16 सीटें मिली थी, और इस बार इनका भी सफाया होने वाला है, क्योंकि लगता है जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, खुलेआम पूरा बिहार अपराधियों के आगोश में है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की चिंता में वो बिहार को कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो इनके सहयोगी दल हैं उनके भरोसे पूरे बिहार को छोड़ दिया है। तो बिहार तो कहीं ना कहीं से इस बार सांसद बनेंगे, क्योंकि JDU से रामप्रीत जी आते हैं। अरे देखिए, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में 40 की 40 सीटों पर हम सब चुनाव जीतेंगे, और केंद्र में आने वाले दौर में एक मजबूत सरकार बनेगी, जो और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नासूर के रूप में इस देश को दिया है, वो सारे नासूर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसे खत्म करेंगे। सनातन धर्म पे शिक्षा मंत्री का कहना है कि पोटेशियम साइनाइड है। देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर हैं, उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री भी भाव नहीं दे रहे हैं, और उनके अपर मुख्य सचिव भी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के इस मंत्री की क्या हालत इनके ही विभाग में है। रामचरितमानस पे कटाक्ष नहीं, देखिए ये रामचरितमानस की पर कटाक्ष नहीं है, ये INDIA की एक सोच है। INDIA के जो घटक दल जिस प्रकार से सनातन धर्म, हिंदू धर्म एवं जो हमारी परंपरागत जो संस्कृति है और हमारी जो सांस्कृतिक एक थाती है, या कहिए कि एक गौरवशाली जो हमारे देश के कई राष्ट्र पुरुष हैं उन पर ये लगातार हमला कर रहे हैं, और बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है, और 2024 में सारे इस तरह के टिप्पणियों का जवाब बिहार से लेकर पूरे भारत की जनता उन्हें सबक सिखाने वाली। झंझारपुर का कुछ समस्या समाधान होगा जो यहाँ की, झंझारपुर की समस्या के साथ साथ पूरे देश की समस्या का समाधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ तारकेश्वर जी थे, जिन्होंने तमाम बातों को रखा है। पूर्व में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अभी औचक निरीक्षण में, जो आज उनका कह सकते हैं कि BJP के तमाम नेताओं का जो ये औचक निरीक्षण, आज अंतिम औचक निरीक्षण था। स्टेज पे हम मौजूद हैं, यहीं से हुंकार भरा जाएगा। जो गृह मंत्री हैं वो यहीं से हुंकार भरेंगे, और तमाम विधि व्यवस्था अब दुरुस्त हो गई है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।